सो हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पेंटियम टेक में। अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम थी। वहां पर आपको 1% का चार्जेस पे करना होता था। लेकिन उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि जल्द ही एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जिसमें आप क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में पैसे बिल्कुल फ्री में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। मतलब आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, जैसे पेटीएम हो या फोन पे हो या फिर कहीं से भी। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट अगर करते हो, अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, तो वहां पर आपको 3-4% का हाई इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। ये तो आप जानते ही होंगे क्योंकि अभी तक आपने न जाने कितनी वीडियो देख ली, बट लेकिन इस वीडियो देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने पर। मेरे पास इतने सारे कार्ड्स हैं और मैं हमेशा इसी चीज़ का यूज़ करता हूं, और जब से इस एप्लीकेशन से मैंने पेमेंट ट्रांसफर की है तब से मैंने न जाने कितनी बार इसमें ट्रांजेक्शन कर चुका हूं। वो चीज़ सारा चीज़ आपको लाइव में दिखाने जा रहा हूं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में बिल्कुल फ्री में कैसे पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको सभी चीज लाइव करके दिखाऊंगा कि आप कैसे अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट कार्ड से बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें से कोई सा भी एक कार्ड ले लेते हैं पहले। ये सभी चीज लाइव होगी तो आप स्किप ना करें, पूरी वीडियो को देखें, कोई भी आपसे पॉइंट छूट ना जाए, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें। इसमें से कोई सा भी एक कार्ड हम ले लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको अपने फ़ोन में पेटीएम बिजनेस अकाउंट अपने ओपन कर लेना है। पेटीएम जिन भाइयों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो वो डाउनलोड कर लें। मुझे लगता है कि क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास पेटीएम तो डेफिनेटली होगा ही होगा। उसके बाद आप पेटीएम बिजनेस अकाउंट अपना बना लेंगे। पेटीएम फॉर बिजनेस अकाउंट जब बना लेंगे तो आप इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। इंटरफेस को आपको स्क्रॉल करके ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद आपको पेमेंट लिंक के ऊपर में क्लिक करना है। ये पेमेंट लिंक है, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है, ठीक है। पेमेंट लिंक पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपको अमाउंट एंटर करना है। तो चलिए हम एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम 2000 रुपये ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 2000 रुपये ऐड करने के बाद डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर कुछ भी लिख देंगे आप किस पर्पज़ से यहाँ पर अगर पेमेंट ले। यहाँ पर नीचे में देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर 5000 रुपीज़ मैंने रूम रेंट किए हैं, मतलब कि मैंने चेक करा था तो यहाँ पर मेरा सक्सेसफुल हो चुका था। इसीलिए मैंने इस वीडियो को मैंने अब सोचा कि आप लोग को भी बता दूँ, यहाँ पर आप जीरो पैसे, मतलब कि 0 रुपये कोई भी आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, फ्री में, बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर पेमेंट ऐड करने को मिलेगा। तो आप ये वीडियो के अंदर पे पूरा देखिए विदाउट स्किप किए हुए। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, जैसे मैं यहाँ पर सब्सक्राइब लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा जो भी है, ठीक है। उसके बाद क्रिएट पेमेंट लिंक के ऊपर में आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो आपने सब्सक्राइब लिख दिया 2000 रुपये, यहाँ पर व्हाट्सअप का शेयर भी कर सकते हैं किसी को भी, जिसे भी पेमेंट आपको लेनी है। यहाँ पर हम शेयर नहीं करेंगे, इसे कैंसिल करेंगे। और यहाँ पर आपको कॉपी लिंक का ऑप्शन दिख रहा होगा, कॉपी लिंक के ऊपर में आपको कॉपी कर क्लिक कर लेना है। लिंक कॉपी हो चुकी है, उसके बाद इसे आपको हटा देना है, मिनिमाइज कर देना है। मिनिमाइज करने के बाद आपको अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। चलिए हम क्रोम को ओपन कर लेते हैं। क्रोम ओपन होने के बाद आपको यहाँ सर्च के ऊपर में क्लिक करना है, और यहाँ पर जो भी आपका लिंक है उसे आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर सर्च के ऊपर में क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि मेरा नाम आ चुका है। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू के ऊपर में सिंपली आपको क्लिक करना है। सो आप देख सकते हैं कि जो हमारा लिंक था ये ओपन हो चुका है, और यहाँ पर लिखा हुआ है पे रविकांत सिंह 2000 रुपीज़, क्योंकि मैंने ये लिंक था वो शेयर किया। अगर मैंने क्रोम के अंदर में शेयर किया या लिंक को ओपन किया, यानी मैंने किसी और को दिया और ये क्रोम के ब्राउजर से मैंने इसे ओपन किया, ठीक है। अब ये पेमेंट खुद मैं अपने अकाउंट में करूंगा, मतलब मुझे खुद को करना है तो यहाँ पर मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपना कोई सा भी मोबाइल नंबर, ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपका क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हो या ना हो, कोई सा भी मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। या फिर अगर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर बिजी है तो आप अपने घर का किसी भी सदस्य का मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर एंटर कर लेंगे। सबसे पहले हम मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है। एक ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, ओटीपी को यहाँ पर एंटर करेंगे। ओटीपी हमने एंटर कर दिया। ओटीपी एंटर करने के बाद आप वेरीफाई के ऊपर में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए पेटीएम की आप एप्लीकेशन के ऊपर में आ गए हैं। यहाँ पर रविकांत सिंह और सब्सक्राइब लिखा हुआ है जो हमने अभी एंटर किया था। उसके बाद सेलेक्ट ऑन ऑप्शन टू पे 2000 रुपीज़, पेटीएम बैलेंस 0 और पे रिमेंग अमाउंट 2000। यहाँ पर कोई भी आपको अभी चार्जेस देखने को नहीं मिल रहा है, तो चलिए आगे देखते हैं, क्या पता कोई चार्जेस लग जाए। तो यहाँ पर हमें क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसके ऊपर में आपको सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना क्रेडिट कार्ड नंबर एंटर करना है, चलिए वो भी ट्राई कर लेते हैं।
अब यहाँ पर हम अपने क्रेडिट कार्ड नंबर एंटर कर लेते हैं पहले। सो क्रेडिट कार्ड की जो भी डिटेल्स थी हमने यहाँ पर एंटर कर लिया। अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है सेव द कार्ड फॉर फ्यूचर पेमेंट। अगर आपको ये सेव पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर अगर क्लिक कर देंगे तो ये कार्ड हमेशा सेव रहेगा। नेक्स्ट टाइम से आपको बस और बस ओटीपी पे ही आपको पेमेंट कर देना है, दोबारा से आपको एंटर करने की जरूरत नहीं है। तो हम इसे अनचेक कर देंगे क्योंकि मुझे कोई जरूरत नहीं है। देन यहाँ पर आपको पे 2000 के ऊपर में आपको क्लिक करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर अलाउ लोकेशन, जो आपके इनेबल लोकेशन परमिशन है, उसे आपको अलाउ कर लेना है और इसे अलाउ कर देंगे हम। अब यहाँ पर आपसे ओटीपी आएगा, जो आपके बैंक अकाउंट से, जो आप देख रहे हैं कि HDFC से हमारा ओटीपी आ गया। हम ओटीपी को एंटर कर लेते हैं। ओटीपी एंटर करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे और सिक्योर माई कार्ड पे आप क्लिक करेंगे। सो आप देख सकते हैं कि हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। अब ये पेमेंट कहाँ जाएगी ये भी मैं आपको इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। सो आप देख सकते हैं कि हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। अब यहाँ पर आप HDFC बैंक का भी मैसेज आ गया कि जो हमारी पेमेंट थी यहाँ से डिडक्ट होगी, आप देख सकते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर इसे हटाएं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, बैक जाना है और पेटीएम बिजनेस एप्लीकेशन जो है उसे आपको दोबारा से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप ये 2000 रुपये वाले पे क्लिक करेंगे और उसके बाद दोबारा यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये जो पेमेंट है ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। आप ये देख सकते हैं कि जो भी पेमेंट की ट्रांजेक्शन है वो सभी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है। अब हम इसे बैंक के अंदर में कैसे लेंगे वो भी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसे बैक करते हैं और बैक करके हम होम पेज पे चले जाएंगे। होम पेज पे जाने के बाद आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ पेमेंट, और जो भी आज की पेमेंट है वो 2000 रुपीज़ की हुई है। आपको यहाँ पर सेटलमेंट के ऊपर में क्लिक करना है, ठीक है। तो आप देखिए सेटलमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो पेटीएम बिजनेस अकाउंट है इसके अंदर में लिखा हुआ है, अगर खुद से सेटलमेंट कर लेते हैं तो अभी हो जाएगा, नहीं तो ये पेमेंट जो है वो कल सुबह 7 बजे के पहले पहले आपके अकाउंट में चली जाती है। तो मुझे अभी के अभी अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना है और ATM से जाके कैश विड्रॉल करना है। तो क्या करेंगे हम, सेटलमेंट नाउ पे हम क्लिक करेंगे। सेटल नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सेटलमेंट अमाउंट आपसे पूछेगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर में आपका जो अकाउंट नंबर दिया हुआ है वहाँ पर उसके अंदर ये पेमेंट चला जाएगा। हम प्रोसीड टू सेटल 2000 के ऊपर में क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमारी जो पेमेंट है वो प्रोसेसिंग में लगी हुई है और ये जो पेमेंट है वो डायरेक्ट हमारे पेटीएम वैलेट के अंदर में चली जाएगी, पेटीएम बैंक के अंदर में चली जाएगी। प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है हमारी, जो सेटलमेंट पेंडिंग का यहाँ पर आपको नोटिस आ रहा है वो अक्सर आता रहता है, वैसे कोई डरने की बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको जो ये जो पेटीएम आपका बिजनेस अकाउंट है वो पेटीएम से लिंक होता है ना, तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, क्योंकि जो पेमेंट होगी ना वो आपके पेटीएम वैलेट के अंदर में या फिर पेटीएम बैंक में जाती है। मैंने यहाँ पर सिंपली पेटीएम बैंक डाल रखा है, तो ये जो हमारी वैलेट है वो पेटीएम बैंक के अंदर में जो 2000 रुपये की ट्रांजेक्शन है वो पेटीएम वैलेट के अंदर में गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद पेटीएम बैंक के ऊपर में हम क्लिक करेंगे, या फिर इससे पहले हम ये आपको स्टेटमेंट दिखा देते हैं जो 2000 रुपये अभी जो मैंने ऐड किया है वो यहाँ पर शो कर रहा है या नहीं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपना पेटीएम बैंक को ओपन कर लेना है। हो सकता है कि आपको ये ब्लैक स्क्रीन दिखाए लेकिन स्टेटमेंट है वो मैं ओपन करके दिखा दूंगा। तो पेटीएम बैंक आपको लॉगिन कर लेना है, आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर देना है, जो भी आपका पेटीएम बैंक का पासवर्ड है। देन यहाँ पर आपको ब्लैक स्क्रीन दिख रहा होगा, बट लेकिन मैं जो ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो मनी रिसीव हुआ है वो आज के डेट में हुआ है। डेट कहाँ दिखा रहा है, डेट हाँ 16 फरवरी 11:38, और आप देख सकते हैं 11:41 पे अभी मैंने ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 11:38 पे ये जो पेमेंट है वो हमारे पेटीएम बैंक के अंदर में आ गई। अब इसे हम अपने बैंक के अंदर में, जो जहाँ से हम ATM से विड्रॉ करेंगे उसके लिए अपने बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सीधे बैक आएंगे और बैक आने के बाद इसे लॉग आउट करेंगे और यहाँ पर पेटीएम वैलेट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये जो ट्रांसफर टू बैंक का ऑप्शन आपको दिख रहा है उसके ऊपर में आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कितने अमाउंट आपको अपने बैंक अकाउंट में जमा करना है, तो यहाँ पर हम 2000 रुपये ऐड कर लेते हैं। उसके बाद प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे जो भी आपने ऐड किया है अपना बैंक अकाउंट वो सभी चीज़ आई है, ऑलरेडी मैंने पहले से ऐड रखा हुआ है तो आप भी ऐड करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है वो मेरा अकाउंट है, तो उसके ऊपर में हम क्लिक करेंगे और ये 2000 रुपये आप देख सकते हैं अमाउंट टू बी सेंड 2000 रुपीज़। चार्जेज यहाँ पर है जो भी है आपका 0 रुपये लग रहा है, मतलब कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लग रही है। देन यहाँ प्रोसीड के ऊपर में आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर आपसे पासवर्ड पूछ रहा है, जो आपका पेटीएम बैंक है उसका पासवर्ड पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर लेना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद पे के ऊपर में आपको क्लिक करना है।
जो हमारी पेमेंट थी वो सक्सेसफुल यहाँ पर चली गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पेमेंट थी हमारी यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुकी है। तो आपने देखा कि मैंने अपने क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को कैसे अपने बैंक अकाउंट के अंडर में ट्रांसफर करा। यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बट लेकिन अगर मैं आपको अपनी ट्रांजेक्शन दिखाऊँ, बट लेकिन आप कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पर पेटीएम का जो भी है आपको स्क्रीन दिखेगा नहीं। अगर मैं यहाँ से फिर भी आपको मैं अगर स्क्रीन पे दिखाऊं तो शायद आप देख पाओ। मैं यहाँ पर ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट हिस्ट्री में, हिस्ट्री के अंदर में पासबुक में आपको लेके जाता हूँ। यहाँ पर देखो आप कितनी सारी ट्रांजेक्शन्स है जो कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो रखी है। आपको शायद दिखेगा नहीं क्योंकि पेटीएम का मैं यहाँ पर अगर चलाऊंगा भी तो भी मुझे नहीं दिखे, मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि स्क्रीन जो है वो ब्लैक दिखेगी। ये चीज़ मैं आपको स्क्रीन बड़ा करके दिखा सकता था, बट लेकिन क्या करें, पेटीएम की जो आप जानती है कि गाइडलाइंस है, आप उसकी स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते और ना ही आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैं यही कहूँगा कि आप पेटीएम बिजनेस अकाउंट अपने मोबाइल के अंदर में बनाइए और अपने क्रेडिट कार्ड से जितनी भी अपनी आपकी मर्जी हो उतनी पेमेंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए विदाउट चार्जेस, मतलब फ्री में। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा।